आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है कैसे बजाज फिनसर्व से अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस कराया हो, चाहे आपने मोबाइल का इंश्योरेंस कराया हो, चाहे मोबाइल फाइनेंस कराया हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कि बजाज फिनसर्व से फाइनेंस कराया हो, या फिर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया हो और क्रेडिट, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो, सारा स्टेटमेंट आपकी आप जो कैसे निकाल सकते हो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है, आपकी ईएमआई कब कट हुई, कैसे हुआ, सारा पेमेंट की डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में टाइप कर देना बजाज एक्सपीरिया पोर्टल, तो आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी customer.login.bajajfinserv.in। तो आपको जो है इसी पे यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसको लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे कि आप यदि पहली बार लॉगिन करो तो लॉगिन इन फॉर द फर्स्ट टाइम पे आपको यहाँ क्लिक करना है, जिसके लिए आपको जो अपना पासवर्ड क्रिएट करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर डाला था जो कि बजाज फिनसर्व में रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। ओटीपी सेंड करने के बाद आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को जो है टिक कर देना है। ओटीपी एंड डालने के बाद उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पासवर्ड जनरेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको पासवर्ड अपना बना लेना है, जो भी आपको स्पेशल करेक्टर का आप अपना पासवर्ड बनाना चाहते हो। मैंने जैसे कि पहले से अपना पासवर्ड जो बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। ईमेल आईडी से भी ओपन हो जाता है, यदि आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको अपनी ईमेल आईडी कैसे रजिस्टर करनी है। आपको यहाँ पे अपना जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि आप जो अपना पासवर्ड से ओपन करोगे या फिर जनरेट ओटीपी से। तो जैसे कि हम पासवर्ड से इसको ओपन करने वाले, मैं यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड आपको यहाँ पे फिर से एंटर करना होगा। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएगी, ओटीपी को डालोगे और लॉगिन हो जाओगे। जैसे कि हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करके आप अपने जो पासवर्ड को यहाँ से सीन भी कर सकते हो, जैसे कि स्टार बने आएंगे तो सीन भी यहाँ से आप जो कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो आप लॉगिन हो चुके हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक टैब मिल रहा है ई स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ ई स्टेटमेंट पे यहाँ पे जो क्लिक करना है। आपके सामने देख सकते हो एग्रीमेंट नंबर आ जाएंगे, यानी कि जो आपके लोन नंबर है वो आपको यहाँ पे जो साइड में शो हो रहे होंगे। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपने कौन कौन से फाइनेंस कराए थे देख सकते हो, प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस, डिजिटल फोन सेफ यानी कि ये इंश्योरेंस है मोबाइल फ़ोन के, डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस, ये ई कंज्यूमर फाइनेंस यानी कि ऑनलाइन ये फ़ोन फाइनेंस कराया था जो कि रेडमी 9 पावर था बजाज फिनसर्व के। आप ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड से कैसे फाइनेंस कराया, तो दोस्तों ये 10,499 का जो मोबाइल फ़ोन है वो वहीं से फाइनेंस कराया था, वो कि आप जो देख सकते हो। हमारी वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सके जो क्लोज हो चुके हैं आप उनका स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रीशेड्यूल अकाउंट। और जैसे कि आपसे कोई कहता है कि आपका अभी जो क्लियर नहीं हुआ है लोन, तो आप उसके लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो कि हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हमारा जो है फ़ोन जो लोन है वो क्लियर हो चुका है। जैसे कि मैं फ़ोन फाइनेंस का एक निकाल देता हूँ 16,499 वाले का, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा, लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ये जो अकाउंट जो नंबर है यानी कि ये लोन नंबर है, उसके बाद लोन डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि टोटल जो लोन का अमाउंट था वो कितना था, 16,999 का लोन अमाउंट था। एनुअलाइज रेट इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल जीरो। लोन टेनोर यानी कि 12 महीने में ये लोन जो है आपको पे करना। उसके बाद आपको यहाँ टोटल लोन अमाउंट पेड इन रुपीज़ जैसे कि 11,399 और कुछ डाउन पेमेंट आपने जो जमा कर दिया था, जमा करने का ईएमआई कार्ड एक्टिवेशन डेट वो डेट यहाँ पे जो मेंशन नहीं करी है। ईएमआई अमाउंट इन रुपीज़ देख सकते हो यहाँ पे जो प्रीवियस अमाउंट रिसीव्ड इन रुपीज़ 1412 रुपये। लोन डिजर्वल डेट यानी कि किस डेट को लोन आपका करा जा रहा है, 7 तारीख को ये लोन किया गया था। फर्स्ट ड्यू डेट यहाँ पे आप देख सकते हो 0104 यानी कि 1 अप्रैल 2021 को। और जो है अपफ्रंट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 5,668 रुपये जो इस पर डाउन पेमेंट जमा किया गया था। लोन स्टेटस है यानी कि अभी लोन बिल्कुल एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है आप यहां पे देख सकते हो।
और उसके बाद यहाँ पे आप जो लोन समरी भी फाइनेंशियल आके यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अपने पूरा एड्रेस नेम और कौन सा मोबाइल फाइनेंस कराया था, ईमेल आईडी के कुछ स्टार्टिंग बर्थ देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यू कितना था और कितना पेमेंट किया और आपका जो कितना चार्ज लगा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। अदर रिसीवेबल जो कि कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं आपको, सिविल रिपोर्ट आप यहाँ पे आके भी जो है देख सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप जो है निकाल सकते हो, किस डेट को आपको कितनी ईएमआई कटी, कितना पेमेंट कटा। ड्यू स्टेटमेंट थ्री, ड्यू फॉर स्टेटमेंट थ्री, 1470 रुपये। और उसका यदि आपको जो पीडीएफ निकालना है तो आपको यहाँ पे आएंगे और गेट रिपोर्ट वाले बटन पे जैसे ही आप जो क्लिक करोगे तो आपके जो ये रिपोर्ट है वो आपके पीडीएफ में भी जो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसको प्रिंट करा के आप जो शो करा सकते हो। आई होप कि आप जो सारे अब स्टेटमेंट डाउनलोड करना सीख गए हो। यदि सीख गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन फाइनेंस से रिलेटेड, बजाज फिनसर, होम क्रेडिट, सारी हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।